यार, लेकिन उसका ओरिजिनल फॉर्म सुन के और भी ज्यादा मैं बिल्कुल इतना रो इतना प्यारा जब वैसे जब वो है ना कि लैया मोहब्बत दूर दराजा अखिया तो होया कल पहली बार सुन के लग रहा था कि सही में एक जो चेहरे पे जो हार्डशिप है ना जिन पहाड़ी रास्तों पे चलने का जो एक वो है शब्द हैं जिनका कोई तर्जुमा हो ही नहीं सकता, मतलब अंग्रेजी अंग्रेजी तो छोड़ो, कई बार दूसरे भी उसमें भी अपने भी ऐसे अपने पूरब में जेरा में करकटबा जो एक आता है लाइन करकना जो है ये एक बड़ा विचित्र सा है, जो जैसे आपका कोई कांटा फंस के निकल जाता है और निकलने के बाद में उसकी जो एक टीस दो चार दिन तक होती रहती है ना उसको कहते हैं करकना, नहीं उसकी खैंच एक बची रह जाती है, खैंच जो है छोटा सा हिस्सा छोटा सा बचा रह जाए वही करकता रहता है। तो हमने उस दिन पहले दो तीन साल पहले मैथिली में एक कविता और हमको खुद ट्रांसलेट नहीं कर पाए हिंदी में, जबकि दोनों भाषाओं में हम लिखते हैं लेकिन हम नहीं कर पाए ट्रांसलेट। इसमें एक मतलब एक नॉस्टैल्जिया को लेके है कि बहुत दिना भले दखला अघना के रात में ओ सा इंजरिया नुक्का चोरी खेले छे टटका दौनी भेल पुआर पर, मतलब कि बहुत दिन हुए देखे अघन की रातों में ओस और चांदनी लुका छिपी खेल रहे हैं ताजे पुआल पर अभी क्या बात है उसका। और फिर आगे कविता जाती है और फिर एक जगह पे है कि भातक और वो वक्त ऐसा होता है ना सर नवंबर का वक्त कि नया नया चावल आता है तो उस चावल में हल्की सी मिठास होती है और किसान के पास पैसा होता है उस वक्त तो मछली भी ले आता है ये भी करता है। दिवाली के से पहले दिवाली के बाद छठ के बाद का वक्त अगर हो तो रिश्तेदार भी आते हैं इस तरह से। तो उसमें ये था कि तोरी वाला रोह माछ से डरा दुआर गम गम करे छे सरसों वाले से दरवाजा और आंगन जो है महक रहा है और पातक रस माछक रस भातक रस मन महो महो भागे कि पत्ते का रस मछली का है और चावल का रस वो मिल के मन महो महो को क्या करें क्या करेंगे महो को नहीं हो सकता नहीं हो सकता। चलो इसमें सर ना जो अगर मतलब जो ओरिजिनल लैंग्वेज में कोई गाना हो तो भले समझना अच्छा लगता है उससे ट्रांसलेशन उतना मजा नहीं आता। तो बड़े बड़े भी देते हैं अगर उनका सुनो जो भूपेन हजारी का जगह ट्रांसलेशन गुलजार ने किया है, गुलजार ने भी हाथ खड़े कर दिए बोले संभव ही नहीं है वो मतलब क्या कहेंगे आप उसे दिल हूम हूम करे तो है ठीक है जितना आप समझ लें समझ लें उसमें। तो एक बार गुलजार साहब को सुन रहे थे वो और पवन वर्मा दोनों बातचीत कर रहे थे ट्रांसलेशन पे, उन्होंने कुछ तो कहा था ऐसा कि एक अच्छा ट्रांसलेशन ना कि वो एक बॉटल से दूसरे बॉटल में इत्र को डालना है इत्र को डालना आहा क्या बात है एकदम उस महीनी को पकड़ ली उसने कहने में ही। इत्र एक तो मात्रा में ही कम और उसकी शीशी बहुत पतली भी होती है आप धार नहीं बना पाएंगे जब तक धार बनाएंगे तब तक खत्म हो जाएगा पता चला गिर के और आपके हाथ में फिर लग गया। बहुत सही अनुवाद करना ऐसे जटिल काम है अनुवाद बहुत कठिन काम है और वो भी आप कर लें मतलब तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूरा का पूरा उतर गया होगा वो तब भी तासीर उसकी रह जाएगी उस बोतल में और दूसरे वाले में कम रह जाएगा। एक बार मेरे डीयू में प्रोफेसर थे उनको डीआरडीयू में किसी हिंदी भाषा का फंक्शन नहीं पता नहीं क्यों होता है मुझे नहीं पता 14 कब होता है 14 सितंबर को होता है तो मुझे उनको पता था हम हिंदी मीडियम से देवरिया से तुम ये इसका एक पेपर का हिंदी में ट्रांसलेशन करो मुझे इसका जाके बोलना है वहाँ पे
और मुझसे चार लाइन से आगे हम नहीं बढ़ पाए। तुम कुछ नहीं करते, चतुर राम निगम तो कर ही सकते थे। मौका चूक गए। तो उसमें डिफेंस मिनिस्टर भी आ रहे थे, गड़बड़ जाती। वही तो कल बोल रहे थे ना अपने ये हर्ष भाई कि हमारे यहाँ एमडी आए और उन्होंने कहा कि इसको ये जाना है मिनिस्ट्री में, कुछ इसको हिंदी में ट्रांसलेट करवाइए। और सुनिए, हिंदी जो कि मुझे समझ में आए और लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो फिर रोहित ने करके भेजा बहुत साधारण से हिंदी में, तो उनको कहा हाँ ये ठीक है, सर को बुलाइए, अच्छा आगे जाएगा। सर कल जो मतलब बोले, मतलब कल जो मैडम बोल रहे थे वो डाटन बोले भारत एक पिघलता हुआ कटोरा है। तो हम सोच रहे थे है क्या है, फिर बाद में मेल्टिंग पॉट को कहा पिघलता हुआ कटोरा। नहीं तो मेरी बेटी की तरह उन्होंने किया ना, ऐसे हमारी बिटिया है। अब उस बेचारी की गलती नहीं है कि वो बाहर पड़ी है, तो उसकी पहली भाषा जो है सोचने की वो अंग्रेजी हो गई। घर में हिंदी हम लोग बोलते हैं, लेकिन उससे आग्रह जब करते हैं कि भाई बोलो हिंदी, खाने की टेबल पे हिंदी चले, कुछ और अंग्रेजी नहीं बोलो, तो बेचारी अपने उससे बहुत कोशिश करती है, सोचती है और हिंदी में तर्जुमा करके बोलती है। एक दिन अभी पिछले महीने की बात है, उन्होंने बोला पाव भाजी बनी थी उनके पसंद की, बड़ी खुश हो गई देख करके, माँ इतना अच्छा खाना बनाती है कि इसे खाकर हम सबका आत्मा ऊपर उठ जाता है। हमने गौरव एक दूसरे को देखा, हमने कहा ये क्या हुआ, वर्चुअली लिटरली रेजेस द स्पिरिट बाबा, इट्स सच नाइस। हमने कहा बेटा आत्मा उठ रहा है, इसको नहीं कहते प्लीज। गुस्सा हो गई, आई एम नॉट गोना स्पीक लाइक दैट, आप लोग मेरा मजाक उड़ाते हो। हमने कहा देवी बेटा बोलो आप। तो पिघलता हुआ कटोरा हो गया उसी चक्कर से। राजशेखर जी, विद्यापति के बारे में बताइए थोड़ा सा कुछ। अरे बाप रे, क्या लाइव है हम? नहीं लाइव नहीं है। अच्छा। मैं वीडियो बस बना रहा हूँ इसलिए कि घर जाऊंगा तो देखूंगा फिर से। विद्यापति से शुरुआती परिचय अपने नानी के कारण हुआ, और वो गाती थी विद्यापति पद को उगना रे मर कत गले। अच्छा। और बाकी शिव स्तुति में जो शिव है, शक्ति की उपासना भी है उनके यहाँ। और उसके अलावा शादियों में भी, हमारे यहाँ ब्याह में जो वो शिव के ब्याह के बारे में भी बात होती है, तो उसमें भी कुछ कुछ पद गाते हैं। एक मैं आपको, कल ही एक बच्चे का आया है, किसी ने मुझे पटना से भेजा, सर इतना सुंदर गाया है, इतना सुंदर गाया है, उसमें फ़ोन अभी बंद हो गया है। वो कह रहे कि हमरा से कौन तप में चूक भले, हम किस तप में हमसे कम कम कमी हो गई कि हमरा एकटा बच्चा, एकटा बेदरा बोलते हैं, बेदरा दुल्हा, हाँ, छोटी उम्र के बच्चे के साथ बड़ी लड़की के विवाह के बहुत सारे ऐसे प्रसंग विद्यापति की कविताओं में हैं, जहाँ उसको ये दुख है लड़की को कि बुतरू के साथ मेरा विवाह कर दिया। तो छोटे बच्चे को बुतरू बोलते हैं मैथिली में, तो उसका विद्यापति के यहाँ है। आपने बहुत सही, जब हम हाट में जाते हैं तो लोग हमको कहता है कि अपने बच्चे के लिए मिठाई ये लो, वो मेरा पति है। वो तो बहुत ही प्यारा है। हाँ। वाला भी लेकिन जो विद्यापति के यहाँ जो उसका दुख छलकता है कि लड़की युवती है, और खासतौर से ना जैसे विद्यापति के यहाँ यौवन और श्रृंगार का को लेकर के बहुत मांसल किस्म का प्रेम झलकता है। अब उसमें सीधे मतलब चलताऊ भाषा में कहें तो जवानी उमड़ती पड़ रही है किसी की, और उसका पति जो है वो गोद में खेलने वाला लड़का जैसा हो, तो विद्यापति के यहाँ ऐसा है? मतलब एक तरफ तो बिल्कुल एकदम शिव की स्तुति में एकदम ओतप्रोत, उससे एकदम भरी हुई रचनाएं, और दूसरी तरफ बिल्कुल एकदम श्रृंगार रस में डूबी हुई रचना। लखीमा देवी और राजा जयसिंह, राजा जयसिंह के दरबार में थे विद्यापति,
उनकी पत्नी थी लक्ष्मा देवी। कहते हैं लोग, जनश्रुतियां हैं कि विद्यापति लक्ष्मा से प्रेम करते थे और उसी के बहाने से उन्होंने कृष्ण और राधा की जो कविताएं लिखी हैं, तो बार बार अपनी कविता में वो इस बात का उल्लेख करते हैं कि लक्ष्मा देवी जानती हैं ये बात, या राजा जय सिंह ये बात जानते हैं जो बात मैं कह रहा हूँ। भनई विद्यापति इस तरह से वो चर्चा करके ये बात निकालते हैं। तो जैसे एक आध कविताएं हैं उनकी जिसमें वो कहती है कि जो मेरे घर के मुंडेर पे कागा कुरर रहा है, जो मैथिली में मैं बस समझ ही लेता हूँ या कविता पढ़ने के दौरान जितना समझा उसमें, उसकी जो पीड़ा है या जब वो कौवा उसके दरवाजे पे उसके मुंडेर पे बोलता है, तो वो जैसे इस आशा में पड़ जाती है कि अब कोई आएगा, और कोई में जो कौन आएगा, वो पति के उसके आने की बात है, प्रिय के उसके आने की बात है। वो कहा जाता है कि पूरे मैथिल क्षेत्र में विद्यापति का जो गायन का या गीत का जो अंदाज है, वो अंदाज लोक में उतर गया है। और जैसे आपने कहा कि दादी वो कहा नानी वो गाया करती थी, मैं जब पढ़ता था विद्यापति को, अब तो विद्यापति पढ़ना छूट गया, लेकिन जब मैं पढ़ता था तो जैसे उनके श्रृंगार के पदों पर, उनके वियोग के पदों पर बहुत बहुत दिल से बातें होती थीं, जैसे समझने की कोशिश होती थी कि कितना मांसल होकर के, कितना डूब करके ये कवि लिख रहा है। तो बाद में नागार्जुन जैसे कवियों ने, जिन्होंने वो भी मैथिली कही, मैथिली मिथिला क्षेत्र के ही हैं, उन्होंने विद्यापति के गीतों का अनुवाद किया, पदावली का हिंदी में भी अनुवाद किया। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा जाता है कि वो विद्यापति के पद गाते गाते बेहोश हो जाते थे, इतना डूब जाते थे राधा और कृष्ण के प्रेम का जो वर्णन है वो करते हुए। तो आपको ना विद्यापति को एक बार मतलब थोड़ा ढंग से देखना, वक्त भी हो गया। हाँ, जैसे आपको ना, जैसे मुझे लगता है कि आपकी जमीन बहुत उर्वर है, बहुत मज़ेदार है। मैं तो कल हाँ इक्विलिब्रियम सा आपने सेटल कर लिया है कि एक गाने में एक लाइन और एक पिक्चर में एक गाना। हाँ, कम से कम ये कम से कम हम अपनी शर्त पे और हमारी मर्जी पे। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जो जो उस पूरे वहाँ के सिस्टम की एक बनावट है, जो एक लिमिटेशन है, उसमें फ्रस्ट्रेशन भी बहुत होता है। मतलब ये लोगों के लिए वो ग्लैमराइज करके सोचना वो बड़ा आसान होता है, लेकिन जो एक क्रिएटिव आदमी है उसके दिमाग में एक शब्द या एक लाइन जो अटक गई और बाद में उस चिल्लरपने में बोला जाए कि आप इसको यहाँ से कैंची मारिए, उधर से ये कीजिए, आसान नहीं होता होगा। आई मीन आप अपनी रचना को काटिए, ये इससे ज़्यादा मतलब तकलीफ की कोई चीज़ नहीं होती, ऑनेस्टली बताइए। जो जो रेणु का उपन्यास है महिला आंचल, उसमें विद्यापति का एक पद लिया है। पद तो बारंबार गाते हैं, लेकिन एक प्रसंग है प्रशांत और कमली के प्रेम का, जिसमें वो अधर का मधु जब चाखन अकान, तोहर शपथ यदि हम किछु जान। मैं जब अधरों का, होठों के रस का जब कृष्ण ने चखा, पान किया, तो मैं हे सखी मैं तुम्हारी शपथ खा करके कहती हूँ कि मैं नहीं जानती कि उसके बाद क्या हुआ है। रेणु ने क्या किया कि ये शब्द थोड़े बदल दिए। मूल जो गीत था, जब मैंने मैला आंचल पढ़ा तो मैं विद्यापति पढ़ने के लिए छटपटाने लगा, लाओ कहाँ है कहाँ है। तो मैं गया विद्यापति के पास, शिव प्रसाद सिंह का विद्यापति पर एक संकलन है, निकाल के ले आया, वो पद खोजने लगा। अब मैथिली में वो पद खोजना मेरे लिए, हिंदी भाषी के लिए कठिन था, पूरी किताब में नहीं मिला कहीं, कहाँ था। पद को रेणु ने बदल दिया। मूल बात थी कि जब नीबी बंध खसाओल कान, तो हर शपथ किछु जदि हम किछु जान,
नीवी बंद इजार बंद खोलने की बात थी, नाड़ा खोलने का। तो सोचिए मानसल होकर के कह रहे थे विद्यापति कि जब उसने ये संसर्ग करने के लिए ये किया तो मुझे उसके बाद नहीं मालूम, मैं एकदम तुम्हारी शपथ खा के कहती हूँ। तुम चलाओ, तुम झेले नहीं गए। सोचिए कि गुरु बहुत लात खाएंगे। सोचिए एक एक ऐसे पाठक पर जिस पाठक के सामने एक दूसरी भाषा की ऑलमोस्ट दूसरी भाषा की किताब हो और वो उसमें से एक पंक्ति खोज रहा हो दूसरी किताब से मिला करके, बड़ी मेहनत करने के बाद मैंने फिर दहा लिया, जिसको सेटलमेंट बिठाना कहते हैं, बिठा लिया कि वो ये इन्होंने कर लिया है। जो आपकी एक एक लाइन जो आप कहते हैं ना अपने शर्तों वाली और वो एक अपने मर्जी वाला जो है ना वो उसका संकलन आप बताओ। ठीक है, इसमें ये लाइन वाली, ये वाली मेरी लाइन है, ये वाली मेरी लाइन है, ऐसा कहीं निकल के आए तो बहुत मजा आएगा। जैसे एक गाना था वो छीछा लेदर, उसमें वर्ड एक यूज किया था और वरुण ने जब यूज किया उससे पहले ये जो अपना गैंग सोफा से उससे पहले और मुझे ये क्या वर्ड है छीछा लेदर, ये नहीं होगा ये, और वो गाना ड्रॉप हो गया। अच्छा, और बाद में जब वरुण का गैंग सोफा से पूरे में आया वो गाना तो मैंने वरुण को कहा और सेम प्रोड्यूसर भाई अपनी अपनी में बैठ जाना तो एकदम बढ़िया। हाँ बारिश आ रही है, चला जाए चला जाए, चाहे सब लोग खा लिए, अब किसी और के लिए तो टेस्टिंग नहीं करनी हम लोगों को, पूछ लिए भाई। अच्छा टेस्टिंग करके वो जब से यहाँ बैठे उठे नहीं। हाँ आनंद आ गया सर, बहुत आनंद आया, बहुत पूरा खा के बैठे थे क्या आप दोनों लोग। इन्होंने फूड टेस्ट किया, इतना जबरदस्त निर्णय है ना आपका। आराम से सर, आराम, आप ये समझिए हम लोग तब से देख देख के ये थोड़ा सा मुझे कैच कर लीजिए, इसमें वीडियो बन रहा है तो बोलिए रोज। हाँ ठीक है, अभी सिर्फ वीडियो बस आ जाए। लेकिन सॉल्यूशन मिली नहीं।